मुस्तफा, हमने आपको रोशन चिराग बनाकर भेजा। अहले इल्म हजरत बैठे हैं, अरबी में चिराग का माना एक और आता है मिसबाह। मिसबाह, अल्लाह ने ये क्यों नहीं फरमाया कि मैंने मिसबाहन मुनीरा इन्ना सद, कि हमने आपको रोशन चिराग बनाकर भेजा। कर मिसबाहन मुनीरा आता तो उसका भी तर्जुमा यही होता कि रोशन चिराग। लेकिन अल्लाह ने क्या कहा, सिराज मुनीरा। सिराज के दो माने, एक माना चिराग और दूसरा माना सूरज। मिसबाहन मुनीरा अगर कहा जाता तो उससे मतलब होता सिर्फ रोशन चिराग। अगर शमसम मुनीरा कहा जाता तो उससे मुराद होता है कि रोशन सूरज। तो कहने वाला कह देता कि हम रसूल के नूर से मुस्तफीद होंगे रात में, क्योंकि चिराग की रोशनी रात में काम आती है, रात में काम आती है, दिन में काम नहीं आती। अगर शमसम मुनीरा कहा होता तो कहने वाला कह देता कि जब दिन निकलेगा तब मुस्तफा के नूर से हम फैजियाब होंगे, रात में हम नहीं होंगे, क्योंकि रात में सूरज नहीं निकलता। परवरदिगारे आलम अलीम व खबीर, उसके इल्म में सब कुछ था, इसीलिए क्या कहा, सिराजम मुनीरा। ऐ मेरे बंदो, मेरे मुस्तफा के नूर से अगर फैजियाब होना है रात में, अगर जरूरत पड़े तो तुम्हें रोशन चिराग की सूरत में मेरा मुस्तफा नजर आएगा, और दिन में जरूरत पड़े तो चमकता हुआ सूरज की शक्ल में नजर आएगा। फैजियाब हो, आका का नूर आया उस चिराग नबुवत से सारी कायनात चमका उठी। अच्छा, चिराग क्यों कहा? चिराग में एक क्वालिटी होती है, चिराग जानते हो ना, कैंडल, कैंडल मोमबत्ती, उसमें एक क्वालिटी होती है कि वो रोशनी तो देती है, लाइट देती है, लेकिन अगर कोई बुझी हुई कैंडल, ऐसी कैंडल जो रोशन नहीं है, ऐसी कैंडल लाए और उससे टच हो जाए, टच हो जाए तो वो भी रोशन हो जाती है, लेकिन उसके लिए शर्त है, उसके लिए शर्त है, उसके लिए शर्त है, दूर से चाहे जितनी कोशिश करो कैंडल जल रही है, नूरे मुस्तफा का उजाला फैल रहा है, मिसबाह मुनीरा, सिराज मुनीरा, रोशन चिराग चमक रहा है, दूर से रहोगे, दूर रहोगे रोशन नहीं होगे, रोशन होना है करीब आओ, जिक्र रसूल की महफिल में आओ, मीलाद मुस्तफा की महफिल में आओ, आशिकाने मुस्तफा के करीब आओ, करीब आओ, करीब आओ, तब भी नहीं जलेगी, तब भी नहीं जलेगी, तब भी नहीं जलेगी। नारे तकबीर, नारे रिसाला, नारे गौसिया, तब भी नहीं जलेगी। अभी एक शब्द और है, एक शब्द और है, क्योंकि कुछ कैंडलें हमने देखी जब हम हज पे गए, करीब थी, करीब थी, बिल्कुल करीब, हमसे भी ज्यादा करीब, लेकिन स्टेट थी, स्टेट थी, अकड़ी खड़ी थी। तो हमने गौर किया, हमने कहा ये तो बुझी हुई है, दाढ़ी है लेकिन बुझी हुई है, चुप्पा है लेकिन बुझी हुई है, अरे दस्तार है लेकिन बुझी हुई है, अरे चलता कौन है, करीब होना काफी नहीं है, करीब आओ, झुक जाओ, अदब से झुक जाओ, अदब से झुक जाओ, अकल छोड़ दो, मैं छोड़ दो, तकब्बुर छोड़ दो, अपना सुपीरियर समझना छोड़ दो, बांगा है मुस्तफा का अदब कर लो, बांगा है मुस्तफा में झुक जाओ। और झुकने के साथ एक जुमला और आया,
चमक गए जिस जैसे उस्मान गनी चमक गए। जोर से बोलो जैसे मौला अली चमक गए, जैसे हसन हसन मुस्तफा चमक गए, जैसे हुसैन आजम चमक गए, जैसे गौसे आजम चमक गए, जैसे गरीब नवाज चमक गए, जैसे महबूब इलाही चमक गए, जैसे दाता चमक गए, जैसे सरकार रब्बानी चमक गए।